मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है निंदा रस। इसके लेखक हैं हरी शंकर परसाई। देखिए बच्चों, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि निंदा रस, निंदा यानी कि दूसरों की बुराई करना, और रस का मतलब है आनंद की अनुभूति आना, यानी कि दूसरों की बुराई करने में जो आनंद की अनुभूति होती है। हरी शंकर परसाई जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, इन्होंने इसी आनंद की अनुभूति को व्यंग्यात्मक रूप से प्रकट करने का प्रयत्न किया है। लेखक के एक मित्र हैं क, लेखक ने इनका नाम नहीं बताया है बल्कि इन्हें क से संबोधित किया है। लेखक कहते हैं कि क कई महीनों के बाद आए थे। मैं सुबह की चाय पी रहा था और अखबार भी पढ़ रहा था कि अचानक से क ने मुझे साइक्लोन की तरह अपनी बाहों में जकड़ लिया। लेखक ने यहाँ पर साइक्लोन शब्द का प्रयोग इसलिए किया है, जिस प्रकार साइक्लोन एकदम से तेज़ी से आता है और सब कुछ जकड़ लेता है, ठीक इसी प्रकार क ने भी एकदम तेज़ी से आया और लेखक को अपनी बाहों में जकड़ लिया, यानी कि वह अपने प्रेम का अत्यधिक प्रदर्शन करना चाहता था। लेकिन इस समय झूठे इस प्रेम को देखकर लेखक कहते हैं कि जैसे ही क ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ा, मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई। लेखक को यहाँ पर भीम के पुतले की याद क्यों आई? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो धृतराष्ट्र को पता चला कि भीम ने उसके पुत्र दुर्योधन की हत्या कर दी है, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भीम को प्रेम से गले लगाना चाहता हूँ। लेकिन यह बात तो बहुत आश्चर्य की थी कि पहले तो धृतराष्ट्र ने कभी भीम को गले नहीं लगाया, तो आज अचानक ऐसा क्यों, जिसमें उसके पुत्र की हत्या भी कर दी है फिर भी वो प्रेम से गले लगाना चाहता है। तो श्री कृष्ण ने एक भीम के जैसा ही लोहे का एक पुतला बनवाया और धृतराष्ट्र के आगे कर दिया। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, उन्हें इस बात का आभास ही नहीं था कि यह पुतला है या भीम है। तब धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को जब अपनी बाहों में तेज़ी से जकड़ा तो उस समय वह पुतला चूर चूर हो गया। तो उससे यह ज्ञात होता है कि धृतराष्ट्र के मन में प्रेम नहीं बल्कि छल था। यही सोचकर लेखक मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्या मैं क से गले मिलूं? हरगिज़ नहीं, मैंने शरीर को मन से चुपचाप खिसका दिया, यानी कि मैंने अपना मन उससे नहीं मिलने दिया, केवल शरीर ही उसकी बाहों में रह गया। मैंने अपना पुतला उसकी भुजाओं में सौंप दिया, यानी कि मेरा जो शरीर नामा जो मेरा पुतला है वो मैंने उसकी बाहों में सौंप दिया और अपने मन को उससे अलग कर लिया। उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। मुझे इस बात का आभास था कि मिलने वाला व्यक्ति मुझसे प्रेम से नहीं बल्कि मुझसे छल से मिल रहा है। और इस बात का आभास मुझे कैसे हुआ? क्योंकि पिछली रात को एक मित्र ने बताया था कि क अपने ससुराल से आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। यानी कि एक और मित्र है ग, जिसके साथ बैठकर काने मेरी निंदा की है। इस बात का तो मुझे पता ही चल गया था, तो इससे यह तो सिद्ध हो गया कि क मुझसे प्रेम करने वाला तो हो ही नहीं सकता। जो मेरी निंदा किसी तीसरे व्यक्ति के सामने करे वह मुझसे प्रेम कैसे कर सकता है? तो लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब छल का धृतराष्ट्र आलंगन कर करे तो पुतला ही आगे कर देना चाहिए, अर्थात अपने मन को पीछे हटाकर केवल शरीर को ही आगे बढ़ा देना चाहिए। यानी कि ऐसे व्यक्ति से केवल बेमन से ही मिलना चाहिए जिसके मन में छल और दिखावे में प्रेम भरा हो। आगे लेखक कहते हैं कि मेरा यह मित्र अभिनय में तो पूरा है, यानी कि छल पूर्वक अभिनय करना तो इसे भली भांति आता है। लेखक जब वह इतने वर्षों के बाद मिलता है तो उसके आंसू तक ना आए, लेकिन बाकी मिलन में हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। यानी कि अपने हाव भाव से उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मुझसे अधिक प्रेम करता है।
उसकी जो गहरी जकड़न थी, उसके नैनों में छलकता हुआ स्नेह था, अत्यधिक स्नेह से भीगी हुई वाणी थी। उससे इस अभिनय से यह स्पष्ट हो रहा था कि मानो वह मुझसे अत्यधिक प्रेम करता हो। और इसी प्रेम से वह बोला, अभी सुबह की ही गाड़ी से उतरा हूँ और एकदम से तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने के लिए आतुर रहता है, यानी कि मैं तुमसे मिलने के लिए इतना बेचैन था कि गाड़ी से उतरते ही मैं कहीं नहीं गया और तुमसे मिलने के लिए चला आया। यह सुनकर लेखक के मन में क्या विचार आए, आते ही झूठ बोला। कल का आया हुआ है, यह बात मेरे मित्र ने मुझे बता दी थी और गा के साथ बैठकर शाम को मेरी निंदा भी की है। इस पर देखिए, लेखक बहुत ही सुंदर वाक्य प्रस्तुत करते हैं कि कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। यानी कि कुछ लोगों को झूठ बोलने के लिए उनका कोई दोष नहीं होता, वे निर्दोष व्यक्ति होते हैं। झूठ बोलना तो केवल उनकी आदत होती है, वे चाहकर झूठ नहीं बोलते, वो झूठ उनके मुंह से अपने आप ही निकल जाता है। उनके मुख से निष्प्राय निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है, यानी कि उस मुख से झूठ अपने आप ही निकल जाता है। निष्प्राय यानी बिना प्रयास किए हुए ही, और निष्प्रयोजन यानी कि बिना किसी कारण के ही उनके मुख से झूठ निकल जाता है। लेखक झूठ का एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार ऐसे ही हैं। वे अगर बम्बई जा रहे हों तो उनसे पूछो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनसे उनके मुख से कभी निकल ही नहीं सकती। अब का लेखक के पास बैठा और ग की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो कर्म जघन्य है, जघन्य का अर्थ बुरे से बुरे कर्म, यानी कि जो भी बुरे से बुरे कर्म होते हैं वो क ने ग के ऊपर आरोपित कर दिए। उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची मानो उससे बुरा व्यक्ति संसार में पैदा ही ना हुआ। यह सब सोचकर तो मैं कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी कल ग के सामने इसने खींची होगी। सुबह से बातचीत के एजेंडे में ग प्रमुख विषय था, यानी कि सुबह से जो भी बातचीत हो रही थी उसमें केवल ग की ही बातें हुई। अद्भुत है मेरा यह मित्र, इसके पास तो दोषों का कैटलॉग है। अब मैंने सोचा कि जब हर परिचित की निंदा कर ही रहा है तो क्यों ना मैं भी लगे हाथों अपने विरोधियों की गत इसके हाथ में कर लूँ, यानी कि जो मेरे विरोधी हैं उनकी निंदा भी मैं इसके मुख से करवा दूँ। कम से कम जो मेरे विरोधी हैं उनकी निंदा इसके मुख से सुनकर मुझे आनंद की अनुभूति तो होगी। जब ये सबकी निंदा कर ही रहा है तो क्यों ना मेरे विरोधियों की भी निंदा कर ले। मैं विरोधियों के नाम लेता रहा और वह निंदा की तलवार से उसे काटता चला गया। जिन लोगों ने उनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं, जो केवल मेरे विरोधी हैं उनकी निंदा करने में भी वह पीछे नहीं हटा। जैसे कि लकड़ी चीरने का आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी काटता है, ठीक वैसे ही वह मेरे विरोधियों के नाम लेता रहा और वह निंदा करता रहा। अब लेखक कहते हैं कि मेरे मन में गत रात्रि उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, यानी कि ग पूरे दिन भर निंदा करता रहा। उसके बाद भी लेखक कहते हैं कि मेरे मन में उसके लिए कोई मैल नहीं रहा, क्योंकि उसने मेरे विरोधियों की भी तो निंदा करके मुझे आनंद की अनुभूति करवाई है। तो अब दोनों एक ही हो गए, अब उसने भी निंदा कर ली, मैंने भी निंदा कर ली, यानी कि अब हम दोनों में फ़र्क ही क्या रहा। 3-4 घंटे के बाद जब वह विदा हुआ तो मन में बड़ी शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि विरोधियों की निंदा जो कर ली थी अब तो शांति का अनुभव होना ही था। अपने विरोधियों की निंदा ग के मुख से सुनकर शांति का अनुभव हो रहा था। अरे भाई, निंदा तो ऐसी ही महिमा है, निंदा करने के बाद तो शांति का अनुभव होता ही है। निंदकों की ऐसी एकाग्रता
यानी कि निंदक इतने एकाग्र होके निंदा करते समय उनका ध्यान कहीं भी नहीं भटकता। परस्पर आत्मनियता यानी कि एक दूसरे की बात का साथ देना, यानी कि जो निंदक होते हैं वो उनमें इतनी आत्मनियता होती है कि वो गलत बात में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है तो दूसरा भी उसकी निंदा करने लगेगा। जो निंदक है वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। निगमता भक्तों में दुर्लभ है। निमग्नता यानी कि बिल्कुल लीन हो जाना। जो निंदक है वे निंदा करते समय इतने लीन हो जाते हैं कि जो लोग भगवान की हाथ जोड़कर पूजा करते हैं इस लीनता का उनमें भी अभाव पाया जाता है। यानी कि जो निंदक हैं वह इतनी श्रद्धा भाव से निंदा करते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति में भी यह श्रद्धा भाव शायद देखने को नहीं मिलता। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाया पास रखने की सलाह दी है। यानी कि संत कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति की कुटिया अपने आंगन में ही बनवा लेनी चाहिए। यानी कि जो निंदक है ना उनको हमेशा अपने नज़दीक रखना चाहिए। ऐसे लोग बिना साबुन पानी के ही हमारा मैल साफ करने का कार्य करते हैं, क्योंकि जो हमारी कमियां होंगी उनकी वे निंदा करेंगे और हमारी कमियां अपने आप ही अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाएंगी। लेखक कहते हैं कि निंदा कुछ लोगों के लिए तो टॉनिक होता है, यानी कि टॉनिक का काम करता है निंदा करना। इस पंक्ति को वे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि हमारी पड़ोस में एक वृद्ध बीमार व्यक्ति है, एक वृद्ध पड़ोसन है हमारी, जो कि जिससे कि उठा भी नहीं जाता। एक दिन किसी ने आकर उस पड़ोसिन को कहा कि डॉक्टर पड़ोसी की लड़की किसी के साथ भाग गई। बस फिर क्या था, वह वृद्ध बीमार उठी और व्यक्तिगत कमेंट के साथ दो चार पड़ोसियों को यह बात सुना आई। उस दिन से उसकी हालत में सुधार है। यानी कि निंदा से अच्छी दवाई और कहाँ मिलेगी जो बीमार व्यक्ति को भी बिस्तर से उठा दे। अब लेखक दूसरे प्रकार की निंदा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दूसरी ओर ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। यानी कि दूसरों के जो सुख से ईर्ष्या करके निंदा की जाए, लेकिन इसमें वह मजा कहाँ जो मिशनरी भाव में निंदा करने में आता है। मिशनरी का मतलब होता है मिशन की तरह, चाहे स्वार्थ हो या ना हो निंदा करने में लगे हुए हैं। निंदकों का दंड देने की ज़रूरत नहीं, खुद ही दंडित है। लेखक कहते हैं कि जो निंदक है उनको दंड देने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती, वो खुद ही दंडित हो जाते हैं। वो कैसे दंडित होते हैं कि आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो भी नहीं पाते। ऐसे लोग निंदा करने में इतना दिमाग चलाते हैं कि रात को सो भी नहीं पाते, तो ऐसे लोग खुद ही दंडित हैं। आगे लेखक कहते हैं कि निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। यानी कि जहाँ हमारे मन में दूसरों के लिए जलन और कमजोरी है वहाँ पर निंदा का जन्म होता है। निंदा करके उसके अपने अहम को तुष्टि मिलती है। यानी कि निंदा करके वह केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करता है, इससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं मिलता। जो कर्म तीक्ष्ण होता है तो निंदा की प्रवृत्ति में दिनों दिन इजाफा होता चला जाता है। यानी कि अगर हमारा कर्म खराब है या हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमें कुछ करने की प्रवृत्ति नहीं है तो समाज में अपने को अच्छा साबित करने के लिए क्या करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे। अगर आगे कहते हैं कि इंद्र देवता को बहुत ही ईर्ष्यालु माना गया है, क्योंकि वह निठल्ले हैं, उन्हें कोई काम धंधा तो है नहीं, क्योंकि इंद्र तो देवता हैं, स्वर्ग के देवता हैं, तो बिना उगाए अन्न और महल बैठे बिठाए उनको महल मिल जाता है। इन सब के लिए उन्हें कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ती। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या कैसे होने लगती है,
क्योंकि मनुष्य से देवता को ईर्ष्या क्यों होने लगती है? क्योंकि मनुष्य कर्मी है, अपने कर्म से वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। आगे लेखक कहते हैं कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, पूंजी यानी कि संपत्ति। लेखक कहते हैं कि जो निंदा है कुछ लोगों की संपत्ति होती है यानी कि पूंजी होती है। इसी पूंजी से वे बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति की निंदा इतनी अधिक फैला देते हैं कि मानो कोई व्यापार फैला दिया हो। कई लोगों की तो प्रतिष्ठा ही दूसरों को कलंक कथाओं पर आधारित होती है, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा वे दूसरों को कलंकित करने में ही मानते हैं। लेखक कहते हैं आप इसके पास बैठिए और सुन लीजिए, यानी कि ऐसे लोगों के पास कभी भी आप बैठोगे ना तो वो क्या कहते हैं, तो वो हमेशा एक ही बात सुनाते हैं, बड़ा ख़राब ज़माना गया। तुमने सुना है फलाना अमूक, फलाना ढिमकाना, वो वैसे, बस वे दूसरों की बातें ही करते रहते हैं और उनकी निंदा करते हैं। अपने चरित्र पर आँख डालकर देखने की तो उनको फुर्सत ही नहीं होती, कभी भी स्वयं को नहीं देखने की हमारे में कौन सी कमियां हैं, वो कभी भी स्वयं को नहीं देखते कि हमारे में कौन सी कमियां हैं, केवल दूसरों की कमियों की ही निंदा करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि चेखव की एक कहानी याद आ गई, उनको एक कहानी याद आ जाती है कि एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही थी और कह रही थी कि वह बहुत ही उचक्का दगेबाज प्रकृति का व्यक्ति है, बेईमानी और धोखे से पैसा कमाता है। फिर कहती है कि अगर उस सहेली की जगह वह होती तो ऐसे पति को त्याग देती, लेकिन जब उसी का पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं भी बेईमानी से इतना पैसा कमाता है तो यह सुनकर वह स्त्री स्तंभ रह जाती है, जो अभी तक सहेली के पति की निंदा कर रही थी। जब उसे इस बात का पता चलता है कि उसका पति भी वैसे ही पैसे कमाता है तो यह सुनकर वह दंग रह जाती है। क्या उसने अपने पति को त्याग दिया? क्या ये आसान है किसी इस तरह से किसी रिश्ते को त्यागना? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली जाती है। लेखक कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई दूसरा कर लेता है तो हमारे अहम को धक्का लगता है, यानी कि जो काम हम नहीं कर पा रहे अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर ले तो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होने लगती है, हमारे अंदर हीनता और गलानी आने लगती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं, यानी कि हम वह काम तो नहीं कर पाए जो दूसरा व्यक्ति करने कर लिया, इसलिए दूसरे के काम की निंदा करके अपनी कमी को ढक सकते हैं, यानी कि अपने अहंकार को संतुष्ट कर सकते हैं। अब लेखक कहते हैं कि उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में रह गया, अब कुछ भी तटस्थ हो गया था, यानी कि सब कुछ अपने आप ही अब साफ हो गया था, कुछ अब मन में रह ही नहीं गया था। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काले सागर में डूबता उतरता था, कलोल कर रहा था। कलोल यानी कि निंदा के सागर में इतना काला है कि मैं उसमें उतरकर खेलने लगा था, कलोल का मतलब उसमें एंजॉय करने लगा था, मैं खेलने लगा था, यानी कि मैं प्रसन्न होने लगा था। बड़ा रस है निंदा में, निंदा करके बड़े आनंद की अनुभूति होती है। सूरदास जी ने इस निंदा शब्द रसाल कहा है, यानी कि इस निंदा को सूरदास जी कहते हैं कि यह शब्द रसाल है। शब्द कहते हैं भजन को और रसाल कहते हैं रसीला, यानी कि ये एक रसीला भजन है, निंदा जो है वो एक रसीला भजन है, ऐसा सूरदास जी का कहना है। यानी कि निंदा का भजन करने में जो रसीले आनंद की प्राप्ति होती है, निंदा करने में जो आनंद की अनुभूति होती है, वह अनुभूति और किसी से भी प्राप्त नहीं होती।